हेलो एवरीवन वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द सीरीज़ अप्लाइड बायो एंड कैनासिलॉजी इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द फाइब्रस जॉइंट इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट देखी थी स्ट्रक्चरल क्लासीफिकेशन को हमने देखा था कि फाइब्रस काटिलेजनस एंड साइनोवियल जॉइंट में वो डिवाइडेड थे ठीक है आज हम अपना ये फाइब्रस जॉइंट डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट में ठीक है तो देखिए जैसा कि फाइब्रस जॉइंट का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है द बोन्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू देयर इज नो कैविटी और स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स सो जनरली दे कांट मूव इट कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स दे आर ऑल्सो नोन एज इमोवाइल या इमोवेबल जॉइंट्स तो जो भी बोन्स होते हैं ना हमारे फाइब्रस जॉइंट में जो बोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो जॉइंट किससे हैं फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से वो जॉइंट किए गए हैं ठीक है और वो इतने टाइटली ज्वाइन किए जाते हैं ना कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती और होती भी तो बहुत ही कम होती है लेकिन ना के बराबर ही होती है जिस कारण उसको क्या बोलते हैं इमोवेबल ज्वाइंट्स बोलते हैं अब उसमें भी चार तीन पार्ट्स आते हैं सूचर्स सिंडिसमोस एंड गोस ये तीनों ही हमारे किसके टाइप्स हैं फाइब्रस जॉइंट के अंदर अंदर आते हैं ये सब तो सूचर्स क्या है दे पॉजिट शॉर्ट फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करते हैं ना हमारे मेनली स्कल बोन में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि उनको ज्वाइन करके रखते हैं जो भी हमारे स्कल बोन ज्वाइन करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ स्कल है तो यहाँ पे जो भी ये सब क्या है सूचर्स हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंडिसमोसिस का तो ये जॉइंट्स में क्या होते हैं ना जो भी बोन्स होते हैं वो एक बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जैसे एग्जाम्पल में ले लिया है टीबिया एंड फिबुला के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज़ द इंटरऑशियस टीबीओ फिबुलर जॉइंट तो ये बेसिकली देखिए ये जो दिख रहा है ये टीबिया है ये फिबुला है और बीच में हमारा इंटर लिगामेंट या मेमब्रेन होता है और यहीं पर ये सिंडिसमोसिस बनाता है यहाँ पे दोनों बोन्स के बीच में जो जॉइंट बन रही है दैट इज़ नोन एज सिंडिसमोसिस है और वो बहुत ही माइन्यूट मूवमेंट प्रोवाइड करता है हल्का सा ज़्यादा करता है हमारे सूचर्स के कंपेरिजन में फिर बात करते हैं गॉम्फोसिस का ये भी फाइब्रस मोबाइल पेग इन सॉकेट जॉइंट होता है इसमें पेग का मतलब क्या है जो हमारा जैसे मान लीजिए ये तीथ है तो इसका जो रूट होता है रूट किसी सॉकेट में जाके फिक्स होता है ठीक है तो ये जो जैसे हम मैंडिबल का सॉकेट यहाँ पे बनाए हैं लोअर जॉक का तो वहां पे जाके आपका टूथ एम्बेडेड होगा फिक्स होगा उसी ज्वाइंट को हमने बोल दिया है गॉम्फोसिस सो इन दिस इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फाइब्रस जॉइंट ओके सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर द काटिलेजिन जॉइंट थैंक यू